गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम और एक टॉपिक स्टार्ट करेंट इज़ एफ ई टी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसे आप लोगों ने बीजे uh, टी हमने स्टार्ट किया था इन द सेम वे वी हैव गॉट एफ ई टी एफ ई टी स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सो वाई वाई कॉल इट इज़ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये आगे पता लग जाएगा <coughs> तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एफ ई टी मैन का इंट्रोडक्शन तो ये जो FAT's, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इट वाज़ फर्स्ट पेटेंटेड by इसका नाम था था जूलियस एडगर तो जो साल था इट वाज इन द ईयर 1926 ठीक yeah, है तो उन्होंने जस्ट पेटेंट दिया था इसके बारे में तो एक्चुअली Uh, इसको फेब्रिकेट नहीं किया गया इट वॉज नॉट मैच विध जस्ट इट एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन एफ ई टी तो इट वॉज इन दर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स उसके बाद इन दर नाइनटीन थर्टी फोर में और एक साइंटिस्ट था <clears throat> जिसका नाम था उसकर हील तो ही हेज ऑल्सो पेटेंटिड दिस एफ ई टी तो उसका जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में उसने कहा ठीक है तो सॉर्ट ऑफ थ्योरी कॉन्सेप्ट थ्योरिटिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था uh, तो दोनों ने uh, एक ने इन दर फर्स्ट इट वॉज पेटिन बाय जूलियस एडगर इन 1926 में तो देन इन द 1934 थर्टी फोर ऑस्कर उसके बाद देर वॉज ए और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम शॉकली जो विलियम शॉकली और इसके टीम मेंबर्स भी इसके साथ थे तो उन्होंने कोशिश की एफ को टू मेक इन द तो उन्होंने कोशिश की बट दे फेल्ड ठीक है, तो uh, उन्होंने क्या कहा उन्होंने सोचा कि इसका प्रैक्टिकल दे इसकी जो टी है बट दे फेल्ड. उसके बाद जो पहला जो FET स्टूडेंट आर कमिंग वन बाय वन तो उसके बाद नेक्स्ट जो है तो एक्चुअली इट वाज फैब्रिकेटेड इन 1957 में तो पहला जो FET था इट वाज एक्चुअली मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट एक्टिवेटेड तो इट वॉज इन दाइनटीन इन्वेंटेड इन दाइनटीन फिफ्टी सेवन में तो जो साइंटिस्ट जो था इसका नाम था डी तो इसके साथ और साइंटिस्ट भी था जिसका नाम था मार्टिन सो they एक्चुअली इन्वेंटेड द फर्स्ट first इन in the year 1957 में so, तो अब ये जो एफ ई टी है तो ये तो थोड़ा इसके बारे में है कि कब स्टार्ट हुआ था, उसका पहला पेटेंट आया था, था, पहला आया जो उसका दिया गया जूलियस एडगर uh, uh, तो फिर और एक साइंटिस्ट आया उसने भी पेटेंट इसका दिया एफ ई टी का इन द ईयर थर्टी फोर तो उसके बाद जो विलियम शॉपली और उसके टीम मेम्बर्स थे उन्होंने कोशिश की कि इसको इन्वेंट uh, करे बट अनफॉर्चुनेट दे फेल्ड उसके बाद और एक साइंटिस्ट uh, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली डी एंग एंड मार्टिन एम था तो उन्होंने इन द uh, 1957 दे इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉसफेट ठीक है ना तो ऐसे ये आ गया इसका वजूद में आ गया मॉसफेट अब लेट मी अलो फ्यू मोर स्टूडेंट्स आर वेटिंग देयर तो उसके बाद ये जो एफईटी जो है अभी हम स्टार्ट नहीं थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन का दे रहा हूँ तो एफ uh, जो है इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस इट इज थ्री टर्मिनल डिवाइस अब इसके जो थ्री टर्मिनल जो है सो इट इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफई टी सो हेयर वू है दूसरा टर्मिनल वी कॉल इट इज अ सोर्स एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड गेट जैसे आपने बीजेटी हमने पढ़ा उसके भी तीन टर्मिनल्स हैं वन इज कॉल्ड कलेक्टर देन यू हैव बेस

here you have got gate wahan pe we have got emitter here you have got source so it is also a transistor because we call it a field effect transistor and we call this as a jaise bjt aapne padha usko hum bipolar junction transistor padhte hain theek hai तो अब ये तो एक इसके बारे में इट इज़ first point पॉइंट इट three terminal device टर्मिनल डिवाइस है ये तो ये जो तीन टर्मिनल है ये मैंने आपको बताया दिया इसमें कौन कौन सी तीन तीन टर्मिनल्स है ठीक है तो ती 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 अब उसके बाद नेक्स्ट जो ये इसके थोड़ा बहुत फीचर सेकेंड so पॉइंट जो इसमें है इन दिस केस तो इसकी जो एप्लीकेशन है इट इज सेम एज दैट ऑफ बीजेटी जो एप्लीकेशन हमारे एफ ई टी के है तो सेम एप्लीकेशन जहां पे हम बीजेटी को यूज करते हैं तो वहाँ पे एफ को भी हम यूज करते हैं सपोज uh, मैंने आपसे कहा कि बीजी को हम किसके लिए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सो इफ़ वांट वीक सिग्नल वी कैन मेक यूज ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो इन द सेम वे अगर हम वी कैन आल्सो यूज एफ फॉर एम्पलीफिकेशन देन सेकंड जो है जो डिजिटल सर्किट जो होते हैं ठीक है या डिजिटल स्विच वी कैन यूज दिस वन बीजेटी ए स्विच डिजिटल स्विच इन द सेम वे एफ को भी हम यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा बीजेटी है जो उसके एप्लीकेशन है जहां पे वो यूज होता है वहां पे हम एफ को भी यूज कर सकते हैं तो द बोथ द सेम एप्लीकेशन ठीक है इट इज अपोलर डि ठीक है अब जैसे हमने बीजेटी भी पढ़ा है तो इट बीजेपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ठीक है ना तो उसका नाम बाइपोलर हम क्यों कहते हैं बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्योंकि वी नो दैट जैसे हमने पढ़ा है वहां पे जब uh, उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका बीजेटी का तो वहाँ पे हमने तीन रिजन जो लिए थे वहाँ पे एक तो हमने सपोज एन पी एन है एन पी एन एन हमने देखा यहाँ पे यू है गॉट लार्ज नंबर ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में होते हैं ये यू गॉट होल्स ठीक है ना इट इज लाइटली डोप जो हमने ट्रांजिस्टर में हम पढ़ चुके हैं अगेन यू है

इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव तो वहां पे देयर इज आल्सो व्हेन अ करंट फ्लोस फ्रॉम से एमिटर टू द कलेक्टर देयर इज आल्सो रोल ऑफ दिस वन होल्स एज वेल ठीक है ना इन अदर वर्ड्स से तो जो हमारी करंट है इट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स होल्स एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है इसने तो इसलिए वी कॉल द ट्रांजिस्टर एज अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो बाईपोलर मींस कि उसमें

अब जो 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 है ये जो हमारा जो है ये हमारा इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ठीक है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे वाई विकॉज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ठीक है ना अब जो हमारा जैसे हमने पढ़ा है कि मैंने अभी यह सो एफ इज अः कंट्रोल ठीक है ना तो अब जैसे हमने बीजेटी पढ़ा इज़ नॉट ए वोटेज कंट्रोल द करंट कंट्रोल्स क्योंकि आपको याद होगा वहां पे हम लिखते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दैट आई सी जो कलेक्टर करंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ द बेस करंट कैन राइट इट इन दिस वे ठीक है तो कलेक्टर करंट इन दैट कॉमन में इट अ फंक्शन ऑफ द बेस करंट सो अब यहाँ पे क्या है जो करंटो को आईसी डिपेंड्स अपॉन द आईबी इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इट्स इट्स करंट कंट्रोल क्योंकि आईसी को कौन कर करंट कंट्रोल करेंट इज बेस करंट इट इज कंट्रोलिंग द आईसी सो वी कॉल इज है तो हमारा जो डिवाइस है जो बीजेटी है सो बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस सो बीजेटी जो है हमारा वो क्या है इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस जो बीजेटी हमारा है ठीक है ना क्योंकि वहां पे सपोज बेस करंट से हम कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरे करंट जो डिफरेंट कॉन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं तो इन शॉर्ट वी कैन से जो हमारा बीजेटी है उसको हम कहते हैं बाईपोलो जंक्शन तो so ये चीज़ें हैं अक्सर वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं आपको जो एफ ई टी जो है इन दो या बीजेपी या दोनों में से करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सा सो so, हमने देखा कि वहां इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस लेकिन अब यहां हम आगे देखेंगे जो हमारा ये है FET है अब देखोगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस तो वहां हम देखेंगे सो so, अभी आगे हम देखेंगे वहां पे एक रिलेशन आ जाएगी वी विल फाइंड देर आई ड्रेन करंट जैसे यहाँ पे कलेक्टर करंट होती है तो एफ ई टी में करंट वी कॉल करंट तो वहां देखेंगे जो हमारी ड्रेन करंट इज ए फैल वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स तो यह है सो so, ये और एक फर्क है दोनों में इनमें so, अगर हम देखेंगे जो हमारा बीजेटी जे टी है करंट कंट्रोलर डिवाइस तो वो हमने देखा है कि बेस करंट से हम कलेक्टर करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो अभी अब यहाँ पे हम जब हम ये स्टार्ट करेंगे हम एफ तो वहाँ पे देखो कि जो हमारा ड्रेन करंट है जैसे वहाँ पे कलेक्टर करंट हियर ही ड्रेन करंट सो इट्स अ फंक्शन ऑफ ए वोल्टेज तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स अ वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस कौन सा वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है जिसको मतलब जो हमारा एफ है इट्स अ वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस जबकि हमारा बीजेटी हमने देखा वहाँ पे इट्स अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस ठीक है तो वहाँ पे हम करंट को करंट से कंट्रोल करते हैं यहाँ पे आप देखोगे करंट को हम वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तो और एक पॉइंट है इसमें तो अब दूसरा और एक जो है इसमें हम ये भी देखेंगे आगे जो एफ जो है तो इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस जो है तो ठीक है तो अब देखो ये इसका मतलब स्टार्ट हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हम करते हैं तो अगर कुछ बच्चे जिनके मिस हो जाएंगे तो फिर बाद में फिर दिक्कत होती है आपको चीज़ों को समझना क्योंकि एफ तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ बेसिक से मैंने स्टार्ट किया तो आगे हम बढ़ेंगे लेकिन अगर किसी के कुछ क्लासेस बीच में स्किप हो रहे हैं देन इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स तो यू नीड टू बी पंक्चुअल अब मैं यहाँ पे और एक मैंने आपसे कहा है कि ये जो इसकी जो इनपुट इंपिडेंस है Uh, जो एफई टी की जो इनपुट दिट इज वेरी हाई हमने देखा वहां पे जो हमारा बी जे बीजे टी जो है ट्रांसटर जो हमने पढ़ा वहाँ पे बीजेटी तो वहाँ मैंने देखा जो हमारा यूजुअली जो हम एज एन एम्बेडर यूज़ करते हैं जो हमारा बे वी बी बेस एंड इमिटर जो होता तो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉर्वर्ड बास जहाँ पे अभी है वहाँ पे यू हैव गॉट ए लो रिज, इनपुट रेजिस्टेंस तो लेकिन इन हम देखेंगे आगे जो ये क्यों है आया हमें आई देखना है तो आई कैन ऑल्सो जो जो होते हैं उनमें जो इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत हाई है इट इज़ इन मेगा उमस में होती है ये ठीक है तो और एक जो इसमें जो जो एफईटी जो है तो दे ऑक्युपाई दे टेक द स्मॉल एरिया इन आईसी ठीक है दिस डिवाइसेस टेक स्मॉल एरिया इन द आईसी तो आईसी मींस इंटीग्रेटेड जो आईसी चिप्स होते हैं क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगी जो सपोज सिंपलेस्ट इफ इफ आई विल टेक वन माइक्रो आई सपोज़ एक माइक्रोप्रोसेसर है वो अगर डिफरेंट है तो बेसिक एक सिंपल 8085 एक माइक्रोप्रोसेसर इट इज नॉट जस्ट 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है ठीक है ना तो इसमें देखा गया है कि ये स्मॉल सी एक आईसी है ठीक है ना तो उसमें देखा गया है देयर आर 6200 ट्रांजिस्टर्स तो इनकी ये बनी हुई है ठीक है ना

दे ऑक्युपाई लेस स्पेस इन द आईसी क्योंकि आई सी होती है उसमें so हमें बीजेटी से बनाना है सपोज माइक्रोप्रोसर तो वहां पर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वो ज्यादा हो गई एज कम्पेयर ऑक्युपाइड बाई एफ इन अदर वर्ड सिंपलीट इन आई सी ठीक है ना एक Uh, और दूसरी बात है कि ये थोड़ा दीज आर नॉट सो सेंसिटिव अगेंस्ट द टेंपरेचर ठीक है जो ये जो एफिटीज़ होते हैं ठीक है दे आर मोर स्टेबल अगेंस्ट द टेंपरेचर मोर आर वी कैन से थर्मली स्टेबल क्योंकि अगर हम एक uh, uh, जो हमारा एफ है उसको भी टेम्परेचर में रखें या हमारा बी है दोनों को रखें तो ज़्यादा जो ज़्यादा सेंसिटिव है वो हमारा बी है तो इट इज़ लेस सेंसिटिव और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ मोर थर्मली स्टेबल है ठीक है ना क्योंकि हमने वहाँ पे देखा वो जो बी जे में हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है देन उसकी जो लीकेज करंट इंक्रीज तो अल्टीमेटली आई सी इनक्रीज़ और जो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था शिफ्टिंग तो ये थोड़ा बहुत मैंने बता दी इसके बारे में जो हमारा एफ़ है उसके बारे में ठीक है ना तो अब हम देखेंगे थोड़ा इसकी जो क्लासिफिकेशन है जो हमारा एफई है उसकी क्लासिफिकेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं है टू स्टार्ट विद पहले हम देखेंगे इसी क्लास मतलब इसमें इसकी फैमिली में, इसकी में को कितने मेंबर्स है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो ये फील्ड ऑफ एफी जो होते हैं वो क्लास फाइव दीज एफी इंटू टू ग्रुप और टू कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं एक जो एफ ई टी है वी कॉल द मेजन फील्ड इफेक्ट सिंपली यू कैन से तो ये जो एफ ई की क्लासिफिकेशन तो एक जो कैटेगरी है इनको कॉल दिस है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जे फेट जे इज फॉर जंक्शन एंड इज फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अब दूसरा जो है इसका जो <coughs> टाइप्स हैं इसके एफिटीज के उनको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर

ठीक है ये जो आ, जो ट्रांजिस्टर है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पी टाइप फिलहाल मैं एन टाइप मैंने आपसे कहा कि एफईटी में दो तरह के वन सोर्स पी टाइप एंड एन टाइप दिस जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर तो जीएफईटी स्टार्टिंग फील्ड ट्रांजिस्टर अब इसमें यार सिंपली इट इज टी तो अब ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है तो स्टूडेंट्स अब अब आ रहे हैं ये जस्ट 5 मिनट्स और

Uh, और जो इसका जो uh, एक तो दो पी टाइप हैं एंड इट ऑल्सो अब तो जो बीच में जो है N -type material. ये पूरा जो जो बाकी है तो उसके बाद इससे पहले सो अब और एक चीज आपको देखना है यहाँ पे तो uh, ये जो एन टाइप मटेरियल है सो दिस इज देन इट हैज गॉट फोर मेटेलिक कंटेक्ट है कि जहां से वायर्स निकलती है अभी मैंने आपसे कहा है कि इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस ठीक है ना जैसे uh, हमारा ट्रांजिस्टर है वो वो भी थ्री टर्मिनल डिवाइस है कलेक्टर बेस एंड एमिटर अब अभी मैंने आपसे कहा है कि भाई ये जो हमारा uh, जो एफईटी है तो इसके भी इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस जो मैंने आपसे कहा कि अभी जस्ट नाउ

तो ये जो मेटेलिक कंटेक्ट जो है यहाँ पे ठीक है ना? और और एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा बीजेटी तो हमने देखा अनसिमेट्रिकल डिवाइस ठीक है बट ये जो है सिमेट्रिकल डिवाइस क्योंकि वहाँ पे उसमें क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर आपने देखा वहाँ पे तो उसमें जो एक दो तो इमिटर है सपोज ये हमारा कलेक्टर है ये हमारा इमिटर है और ये जो हमारा बेस है

लाइटली uh, like डोपड है, इसके है यहां पे, that. That ठीक ना तो अब वहां ये हमारा कलेक्टर है ये हमारा एमिटर है ये हमारा बेस है, है, है तो अब ऐसा नहीं कि जब हम कहते हैं कि से करंट यहां से आ रही है यहाँ से निकल रही है बेस वो कंट्रोल कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि ना, ए, क्या सी क्या, क्या, की जगह हम ई लिख सकते हैं और यहां पे सी लिखेंगे क्या हम इसको एमिटर माने इसको कलेक्टर क्या पहुंचते तो वहां पे नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे जो उसका जो फैब्रिकेट किया हुआ कि वहाँ पे ने डिलिबरेटली इसको हैवली डोप्ड रखा है ठीक है ना और इस ये जो बेस है इट इज थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड तो वहाँ पे सो दैट इज रिकॉर्ड इट इज अनसिमेट्रिकल डिवाइस जिसमें सिमेट्री नहीं है लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो आपका जो ये है एफ ई टी है तो आप यहाँ पे यू कैन चेंज आप अगर आप यू कैन ऑफोर राइट सपोज ये इसको ड्रेन रिक तो यहाँ पे सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वी कैन यूज आइ दिस एंड एज ए और दिस वन ये डिपेंड है कि हम अभी हम देखेंगे आगे कि पावर सप्लाई हम किस साइड इसमें दे देंगे तो ना ना का बैक तो हम डिस्कस करें तो मैंने आपसे सब कि एक तो टर्मिनल हो गया ये हमारा ड्रेन है दिस वन इज सोर्स और ये यह जो यहाँ पे ये यह, एक और मेटेलिक कॉन्टैक्ट है यहाँ पे तो यहाँ से हम एक वायर निकालते हैं सो दिस इज आवर गेट और यहाँ पे भी जो यहाँ पे भी एक मेटलिक कॉन्टेक्ट है यहाँ पे तो जहाँ से हम एक वायर फिर निकालते हैं लेकिन अब इसमें जो बिकॉज राइट एंड वायर हम देखते हैं जस्ट इसकी कन वर्किंग तो आगे देखनी है पहले देखने कंस्ट्रक्शन भाई किस चीज़ का तो मैंने आपसे कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पी टाइप मटीरियल एंड वन एन एं टाइप मटीरियल ठीक है ना तो ये हमारे दो पी टाइप मीटीरियल और बीच में जो इट्स एन टाइप आपको पता होगा ठीक है ना एन टाइप मटीरियल एंड पी टाइप सो ठीक है इसमें होल्स होते हैं कॉन्सन्ट्रेशन होल्स ज़्यादा होता है यहाँ पे जो है एन टाइप मटीरियल उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होता है और डोपिंग वोपिंग आपने पड़ी होगी सो ये दो तरह के और ये भी, भी कंबाइन तो करते हैं ज्वाइन टूगेदर दीज टू तो, तो ये आपका एक ही कनेक्शन बना है दिस इज गेट अब इसका मतलब ये ये जो ये मेटल एक कॉन्टेक्ट यहाँ से एक वायर ये यह यहाँ से तो आप आग प्रैक्टिकली आग्रह दो वहां पे तीन ही टर्मिनल ड्रेन अब देखो यहाँ क्योंकि ये यह आपस में कनेक्ट